बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़िम्रिस अदबी फोरम की जानिब से आज की शाम आसिफ साहब के नाम, जो पहले आसिफ अली थे, अब डॉक्टर आसिफ अली हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह सुबहाना ताला की जो है जो रहमतें हैं माशाल्लाह, आज उनको डॉक्टरेट की डिग्री से अल्हम्दुलिल्लाह सरफराज किया है। जनाब अजमतुल्लाह बियाबानी साहब की सदारत में डॉक्टर मीम काफ सलीम साहब की जो है ख्वाहिश है कि ये सदारत अजमतुल्लाह बियाबानी साहब की हो, तो इंशाल्लाह सबसे पहले मैं डॉक्टर मुख्तार अहमद फरदीन साहब से अदबन मुल्तमीस हूँ, हम सबको मुखातिब फरमाएँ। जो जी मैं आया तनकीद कर रहे हैं, लेकिन बेहतर है कि हदें अपनी जगह पे हों, और मैं कभी किसी हद को पार करने का इजाज़त नहीं देता हूँ। और सफर की आवाज़ आज की भी है जब आप शादी के मरहले से गुजर जाएंगे, तो बहरहाल आदमी के अंदर पेशेंस होनी चाहिए और एक नहायत ही मुसरत तकलीफ है, और अभी सीखने का मौका है, सीख लो, कभी दिन मिले ना मिले। और मैं आपकी सदवा पे आता हूँ, और यह अल्लाह का करम है, शुक्र है कि हम यहाँ पे डॉक्टर एम एस हाजी साहब की दावत पे आज की महफिल डॉक्टर आसिफ अली साहब के नाम रखा गया है। ये एक शाम भी कह सकते हैं, तो बलाए ताक रख करके उनके अंदर की अच्छाइयों को देखें आप, और जब आप अच्छाइयों को देखेंगे तो उससे आप बहुत मुतासर होंगे, बहुत सी चीज़ें सीख पाएंगे। हमारे साथ मसला क्या है कि हम और आप उर्दू के माहौल में रहते हैं, तो उर्दू के माहौल में उर्दू को वो डिग्निटी हासिल है बावजूद इसके हम देना नहीं चाहते हैं, अपने दोस्त को कमतर करके दिखाना चाहते हैं, जिनकी जो सलाहियतें हैं उनकी सलाहियतों को जो है आप मानें, और उन्हें उनकी सलाहियतों को अच्छाइयों को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। डॉक्टर आसिफ अली साहब गलचे उम्र में मुझसे छोटे हैं, और इन्होंने अपनी जिन कावशों जिन मेहनतों, चूँकि डॉक्टर बनना इट्स नॉट सो ईजी, इट्स अ वेरी टफ जॉब, रिसर्च काम ही है। और यहाँ पे जितने भी तशरीफ़ फरमा है ऑलमोस्ट, और डॉक्टर बनने के लिए आपको कई मरहलों से गुजरना पड़ता है और कई चीज़ें करनी पड़ती हैं। अगर आप जब रिसर्च करते हैं तो आप कहीं पे भी अगर खड़े हो जाए, चाहे किसी सूबे में हो या किसी हिंदुस्तान के किसी जगह, किसी अजमी इजलास हो या मकाले के इजलास हो, तो उसमें आपकी लियाकतें सलाहियतें जब आप बात करते हैं, इंट्रैक्शन करते हैं, तो आपकी बातों की गहराइयाँ जब समझ में आती हैं। इसलिए अल्लाह का फजल है और उसमें इतफाक है कि डॉक्टर आसिफ अली साहब की जिस दिन वाइवा हो रहा था उस दिन मैं मौजूद था, और उस दिन ही इनको सुनने के इनकी तमाम सलाहियतों को बाहसे एक ऑडियंस बहुत चीज़ समझ सकते हैं आप, तो हमें समझने का भी मौका मिला, और एक्सपर्ट्स के व्यूज़ जो आते हैं और वहाँ पर जितने दानिश प्रोफेसर गाइड और बहुत वाकई बहुत मेहनत की है, और जितना टफ सब्जेक्ट है ट्रांसलेशन का, बहुत से हवाले रेफरेंसेस आपको नहीं मिलते हैं रिसर्च करने के लिए, तो इसलिए आपकी डिग्री डॉक्टरेट का हासिल होना और उसके एक हफ्ते के बाद डिक्लेरेशन आना और हिंदुस्तान के तमाम अखबारात को यूनिवर्सिटी वो पीएचडी का नोटिफिकेशन देती है, तमाम अखबारात में आते हैं। हैदराबाद के इधर के दिनों में मैंने देखा है कि अल्लाह का अफलाक साहब शुक्र है, और वाकई में आसिफ अली साहब काबिल मुबारकबाद है कि इनको इनकी हुस्न अखलाक की वजह कर अखलाक से लोगों से इंट्रैक्शन करने की वजह कर लोगों से ताल्लुकात कनेक्टिविटी होने की वजह कर अब तमाम अखबार ने इन्हें बहुत अच्छे तरीके से कवरेज दिया है, और उस कवरेज के साथ साथ हम लोगों ने भी पहली तहनीत रखी थी, उस तहनीत के बाद से जो है ये सिलसिला चल पड़ा है। मैं यही कहूँ ख्वाहिश करूँगा जिन लोगों ने पीएचडी नहीं की है, अगर पीएचडी करना चाह रहे हैं तो अपने सब्जेक्ट में बहुत ऑनेस्ट हों, और ऑनेस्टली जो है सब्जेक्ट पे आप जब थॉरो होंगे
तो वही सब्जेक्ट आपको आपके लिए मुस्तकबिल के लिए जो है एक राह हमवार करेगा। तो मैं ये समझता हूँ कि आने वाले दिनों में आसिफ अली साहब जहाँ रूबी न्यूज़ चैनल के हेड है, ये इनका एक बेस है, लेकिन इन्हें कहीं दूर देखना चाहते हैं हम, क्योंकि इनकी जो सलाहियतें हैं, इनके अंदर जो खसूसियत है, जो जिस मेहनत से आपने जो कुछ भी हासिल किया है, मैं ये समझता हूँ कि आपका लाइन ऑफ कोर्स और लाइन ऑफ एक्शंस और लाइन ऑफ थिंकिंग या फोकसिंग जो है अब कॉलेज की जानी बनी। हमारे अच्छे ओरिएटर हैं, काफ़ी अच्छा बोलते हैं, इन्होंने मुस्तैदा रखा होगा कि शायद किसी और प्रोग्राम में मुख्तार साहब को दावत दें और ना आए तो शायद रिवेंज हो जाए। तो बहरहाल हम सब आसिफ भाई आपके डॉक्टर के डिग्री में बहुत खुश हैं, और यहाँ पे डॉक्टर एम एस आजी साहब हैं और भाई अजहर साहब हैं, ये ख़ानदान जो है अपने आप में खुद ही एक यूनिवर्सिटी है, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी है, तो इनके पास आईटी भी है, इनके पास हॉल भी है, तमाम मौके भी फराहम करते हैं, इसी खुशी में हम लोग आते हैं, इसी लालच में भी आते हैं। उर्दू के लोग बड़ा लालची भी होते हैं, कहीं कोई एक मौके फराहम कर दिया जाए तो उस मौके को जो है हम बेहतर तरीके से जो है उसको कन्वर्ट करते हैं। बाहर अदब का मामला है और अदब की हदें अपनी होती हैं, इन्हीं हदों में हम रह करके अपने कारनामों को बहुत दूर तक ले जाएं, और फिर वही जैसा कि मोहसिन खान ने कहा कि वही मेरे पास एक शेर है कि मैं कहाँ पत्ता हूँ सब पत्ती से, मुझे जाना है बहुत ऊँचा हद परवार, लेकिन हद परवार से मुराद ये है कि ये मैं ऑब्जेक्ट आपका बहुत क्लियर हो। आसिफ साहब के लिए मेरी नेक तमन्नाएं, नेक दुआएं हैं, आसिफ भाई जहाँ कहीं भी रहें, जब तक हम आपके साथ हैं, आपके कारोबार के साथ हैं, आपके साथ साथ हैं, मेरी नेक तमन्नाएं, नेक दुआएं, आपकी कामयाबी सबों के लिए बासे मुसर्रत है। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़। मैं डॉक्टर मुजफ्फर अली सारी साहब से अदबन मुल्तमिस हूँ कि वो अपना इजहार ख्याल करें। डॉक्टर मुजफ्फर अली सारी साहब, इंशाल्लाह आगे जाकर हम जरूर एक डॉक्टर को प्रोफेसर के रूप में देखना जरूर चाहेंगे, और दिल साहब की मुबारकबाद जो इतनी बड़ी दुआएं दी हैं। वाकई में ये होने वाला है, आप जो स्क्रीन पर बता रहे थे ये होने वाला है, आइंदा इंशाल्लाह ज़रूर हो गए, हम एक प्रोफेसर से ज़रूर मिलेंगे। अभी कुलपोषी का सिलसिला शुरू करते हैं। एक्चुअली ये जो डिग्री मिली है, ये डिग्री के बारे में एक बात मेरे पास थी, इसलिए मैं माइक लिया हूँ कि इस डिग्री को मैं तुर्रे इम्तियाज का नाम देता हूँ, क्योंकि जब टोपी के एक टोपी के ऊपर जब एक खुन्ना लगता है, वो खुन्ना तुर्रे इम्तियाज कहलाता है। इसके इसका फ़ख्र ही कुछ अलग है, आदमी बड़ा मगरूर हो जाता है इसमें, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी बात है, ये सभी के सर पे नहीं लगता, हिलाल साहब के पास है ये जी, मेरे पास थे। साजिद भाई फुल अंदर बाबा देखो खड़ा ले, खड़ा ना खड़ा ले, साजिद भाई इधर इंसानों के लिए बिला लिया मजहब मिलत वो काम ले के जिसको मोर के जनाब आसिफ साहब के कारनामे नाकाबिल फरामोश ने लायक सताई से मुझे जो मौका दिया गया, मैं जिमनीस के चीफ साहब का सबका साथियों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि हुआ ये इंसान पैदा दो जहाँ के लिए, बदन जमीन के लिए और वो आसमान के लिए,
मैं वफा शाह गुलपरस्त हूं साकी लहू निचर और तामीर गुलिस्तान के लिए वाकर और दवान अल्हम्दुलिल्लाह हमारी दुआ है। आशीष साहब चाहे कौन से भी अहदे पर हों, बहरहाल वो जो सलाहियत अल्लाह ताला ने उनको खरीद करने की दी है, चाहे यूनिवर्सिटी में होंगे या कहीं भी होंगे, मैं समझता हूँ कि वो वही तरीक़ेकार इख्तियार करेंगे जो रूबी में किया करते थे। लेकिन लोगों को खरीद करना, लोगों से बात करना ही दरअसल फन है। आपके पास कितनी भी सलाहियत खरीद दीजिए, और फन वो फन अगर आपके पास खरीद करने का फन ना हो तो आपकी सलाहियतें पूरी मान पड़ जाती है। आपके इस हवाले से मैं एक बात कहना चाहता हूँ। अजमतुल्ला बियाबानी साहब आज के अवार्ड याफ्ता डॉक्टरेट की डिग्री अवार्ड याफ्ता आशीष अली साहब और मेरे तमाम दोस्त अहबाब सामने मुझसे पेशरों मुकर्रीन ने बड़ी अच्छी बातें आशीष साहब के बारे में कही, क्योंकि पीछे मैंने जब आते ही बैनर देखा उस पर उनकी बचपन लड़कपन और जवानी वहाँ खुलकर नजर आ रहा है, ये आप सभी पीछे देख सकते हैं। बहुत ही अच्छे अंदाज में साजिद साहब ने जिमरीस अदबी फोरम के जरिए आशीष साहब के पूरे दौर की अक्का की। अब यहाँ से उनका एक नया दौर शुरू होगा, क्योंकि मैंने जब भी आशीष साहब को देखा है हर वक्त के मिलना बड़ी करामत है, इससे दुनिया मुरीद होती है। और हमेशा कभी उनके माथे पर बल नहीं देखा, कभी गुस्सा नहीं देखा, जैसा कि मोहसिन ने बताया कि छोटी छोटी महसूस में भी चले आते, और ये उनका तुर इम्तियाज है, और इसीलिए शायद आज वो तुर इम्तियाज का खिताब उनसे दिया गया। क्योंकि अभी हमारे मोहम्मद बिलाल आजमी साहब ने बताया कि मुसाबकती दौड़ में अगर आप शामिल हो जाए तो कामयाबी आपके खत्म होगी। मैं अपनी खुद मिसाल देकर बताता हूँ आपको कि मैं जब शादा कॉलेज में गया तो मुझे 15 रुपये पर पीरियड पढ़ाना पड़ा। उसके बाद मेरी सलाहियतों को देखते हुए मुझे एज ए लेक्चरर अपॉइंटमेंट कर लिया गया, उसके बाद एज ए इंचार्ज, और आज मैं वहाँ पर वाइस सलाहियतों की बुनियाद पर होता है। और हमारे पास हर आदमी ये कहता है कि भाई मुसलमान होने से नौकरी नहीं मिलती, ये बिल्कुल गलत बात है। उर्दू पढ़ने से नौकरी नहीं मिलती, अंग्रेजी पढ़े फिर कुछ नौकरी मिल रही है आपको। अगर हमारा जहन ऐसा बन चुका है, सबसे बड़ी बात जो मेरे नज़दीक है वो है माँ बाप की इज्जत। जो शख्स जो पर जो बेटा माँ बाप को इज्जत देता है अल्लाह ताला उसको इज्जत से नवाजता है। उसकी एक किताब मैं अपनी दे सकता हूँ कि मेरी एक किताब है उसको मैंने अपने माँ बाप के नाम मानवन किया था, तो आज 25,000 किताबें उसके मैं दे चुका हूँ। और दूसरी कोई किताबें सिर्फ मुफ्त में तकसीम होती है और वो किताब लिखी है यह है। और इसी तरह आसिफ अली साहब अपने वालिद के नाम पर अहमद अली मेमोरियल कमेटी कायम किए हैं, जिसके जरिए वो उर्दू की खिदमत अंजाम दे रहे हैं। जैसा कि अभी आप आसिफ के बारे में बताएं कि आसिफ जा हफ्तुम का लखब क्या था, सुल्तानुल उलूम, और ये भी जो है सुल्तानुल उलूम है कि हर महफिल में आप देखिए उनकी जिंदगी जो है न्यूज एजेंसियों से शुरू। आज हैदराबाद में अगर कोई टीवी सबसे ज़्यादा मशहूर है और जो खबरें लोगों तक पहुंचाता है, चाहे वो छोटे छोटे जलसे ही क्यों ना हो, छोटे प्रोग्राम ही क्यों ना है, उसका नाम है रूबी न्यूज़। उसके ऊपर आपको सारी चीज़ें, मुझे खुद मेरे पास रूबी टीवी का चैनल नहीं है, मेरे पास डिश एंटीना है,
लोग मुझे बाहर निकले वो बोलते कि आप मूवी पे नजर आए थे, आप मूवी पे फला दिन नजर आया, फला दिन नजर आया, तो इससे चैनल में अहमियत बढ़ती है और उसकी वजह मूवी न्यूज के हेड न्यूज आसिफ अली है। आसिफ अली के पास सबसे अहम बात खुलूस, हमदर्दी और कुछ करने का जज्बा है। वो अभी डिग्रियों के बारे में बताया गया, मैं नहीं बोलता आपको इसलिए कि मैंने बहुत सारे मजामिन लिखे हैं, हमने पीएचडी कैसी की और कैसे कैसे पीएचडी के लिए खिलाफ उठाना पड़ता है, क्योंकि जिंदा शख्सियत पे करें तो जिंदा शख्सियत जो है आपको लिख के दे देती है, मुर्दा शख्सियत पे कुछ भी लिख लो आपको मुर्दा उठ के आगे वो निकलता है। और ये हमारे गाइड जो है कि मुर्दा और जिंदा शख्सियतों को देके अपनी सैलरी और अपने ओहदे में इजाफा करने के लिए ये काम करते हैं। काबिलियत स्टूडेंट की नहीं बढ़ाते, स्टूडेंट की काबिलियत जब भी बढ़ती है, जैसा कि आपने बताया। ठीक है, आज हम जिस मकसद के लिए जमा हुए हैं, मैं दिल की गहराइयों से डॉक्टर आसिफ अली को मुबारकबाद देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि वो इसी तरह कदम आगे बढ़ाते रहेंगे। वक्त को जो बदल दे वो है इंसान अजीम, वक्त के साथ बदलना कोई किरदार नहीं। मेहमान खुदी उस्ताद मोहतरम शुरा इकराम और मेरे अहबाब अल्लाह की दरकार, ये मेरी खुश नसीबी है कि मैं आज जमरीस में हूँ और ऐसी शख्सियात के दरमियान में हूँ जो हर शख्स अपनी ज़ात में एक अंजुमन है, अपने साथ एक काफिला रखता है, अपने साथ चाहतों और मोहब्बतों का एक खुमार रखता है। और मैं हदीय तशक्कुर पेश करता हूँ, दिल की अमीन गहराइयों से शुक्रगुजार मोहतरम डॉक्टर मुजफ्फरुल्लाह सादिक साहब का, जिन्होंने आज ये दहनीय की तकरीब का इनेकाद अमल में लाया और हमें अपने ख्याल को जाहिर करने का इजहार करने का मौका भी फराहम किया और साथ ही तुर्रे इम्तियाज भी मुझे अता किया, जिसका मैं समझता हूँ मैं मुस्तहक नहीं हूँ, लेकिन ये उनका बड़प्पन है कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा। बचपन में जब हम स्कूलिंग कर रहे थे तो मेरा एक सब्जेक्ट उर्दू था, उर्दू एज ए फर्स्ट लैंग्वेज मैंने SSC तक पढ़ी है, तो हमारे खुशीदा उसका लगने हुआ यही है कि ज़िंदगी जस्तजू में शुरू होती है, जब तक इंसान जस्तजू नहीं करेगा उसे कुछ हासिल होना मुश्किल है। लाइफ इज़ लेटेंट इन क्वेस्ट, जिसको इंग्लिश में अगर तर्जुमा कहूँ तो कहा जाता है। बहरहाल एक मकसद था मेरी पढ़ाई के पीछे, मैं आपको बताता चलूं कि 1997 में मेरा ग्रेजुएशन मुकम्मल होता है। अल्लामा तहसन तखर की वाचन खुल थी, अगरचे इस तरह से हमने बैठ कर उसे खूबसूरत बनाया था, अंदर भी खूबसूरत बनाया, अल्लाह ताला इतनी सुने ज़्यादा किया है, हम सब की दुआ है क्या इस खैर को उम्मत के साथ इस्तेमाल करें, वो काफ़ी हो चुका है, यहाँ पर हम अगर तफसीली अगर दिए दुआ के साथ हैं ताकि बिल्कुल रोशन फरमा अरे दुरुस्ती के साथ सलामत रख, अरे अल्लाह हम सब के मरहूमीन के अल्लाह मग़फ़िरत फरमा, अल्लाह उनको जन्नतुल फ़िरदौस अता फरमा, अल्लाह हम में से जिनकी वालिदैन इस दुनिया से जा चुके हैं अल्लाह उनकी कब्र को नूर से मुनव्वर फरमा, अल्लाह जो बाकी हैं तादेर खिदमत करने की तौफीक अता फरमा, अरे अल्लाह हमारी दुआओं को महद अपने फजल व करम से और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े करीम कबूल फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सल्लल्लाहु तआला अला खैरिल खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिही व असहाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।